हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले होंडा क्रेटा की रविंग, और बाकी एक बार मैं गाड़ी की कुछ कंडीशन दिखा देता हूँ, जो कुछ डस्ट वगैरह से पूरी येलो। ये देख लो गाड़ी के ऊपर कितनी डस्ट जमी हुई है और बिल्कुल गाड़ी पीली हो रखी है। बाकी एक बार मैं दूसरे से चेकआउट करा दूँ एक बार गाड़ी को। दूसरी तरफ से कंडीशन देखो तो आप कुछ ऐसी हो रखी है। और एक बार बैक साइड से दिखाऊं तो अब इसके ऊपर रफ लग रहा है। फाइनली इसके ऊपर हम रफ कर रहे हैं एमरी पेपर से। बाकी एक बार मैं चेकआउट करा दूं कि कितना ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था। इस वाले पैनल में डिफरेंस देखो और इस वाले पैनल के अंदर। इस वाले पैनल के ऊपर हमने रफ मार दिया है, और जो हमारा फ्रंट का जो पैनल है डोर, उसके ऊपर भी हमने रफ मार दिया है। और ये जो हमारा फेंडर है, इसके ऊपर हमने अभी कुछ नहीं किया है। दोनों में अभी शायद दिख नहीं रहा होगा इन क्लियर से डिफरेंस। बाकी अभी प्रोसेस चल रही है, ये वाला इस पर हमने रफ मारे हैं, और ये वाला थोड़ा येलो दिख रहा होगा, अभी प्रोसेस चल रहा है। बाकी रियर वाले डोर पर अभी रफिंग करने से पहले रफ जो लगाया जा रहा है वो अभी रफ प्रॉपर अच्छे से, जितना प्रॉपर से अच्छे से हम रफ मारेंगे उतनी अच्छी शाइनिंग आएगी गाड़ी के ऊपर। अभी इसमें रफ चल ही रहा है बोनट पे, ये देख सकते हो आप कितनी धूल मिट्टी इस पर डस्ट जमा हुआ है। ये देखो आप शाइनिंग, यहाँ ये कट रहा है, ये धूल है ना, इससे कट रही है धीरे धीरे। इसके बाद लास्ट प्रोसेस होती है रबिंग की। आप देख सकते हो कि पूरी गाड़ी भी कितनी तसल्ली से, कितने आराम से काम किया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए दिख रहा है डस्टी है, जो रबिंग यूज़ करेंगे वो हमारी वुड की होने वाली है, जो कि बड़ी हैवी अच्छी क्वालिटी के साथ है, डायमंड कट प्रीमियम। और अब हम इसको यूज़ करेंगे इसके ऊपर बॉडी के ऊपर, फिर देखते हैं आपको शाइनिंग दिखाते क्या होने वाली है।
फाइनली हमारी गाड़ी की जो रबिंग है और पॉलिश है और वॉशिंग करा के कंप्लीट हो चुकी है। हमने पॉलिश वगैरह करके गाड़ी बिल्कुल रेडी कर दी है हैंड ओवर करने के लिए कस्टमर को। एक बार मैं गाड़ी की शाइनिंग दिखा दूँ आपको, वो करम करा के चारों तरफ से। बाकी जो ब्लैक वाली जो ये पट्टी है क्रोम है, इसके ऊपर हमने पॉलिश का यूज़ किया है क्योंकि इसका कलर काफ़ी फेड हो रखा था, ताकि इसके ऊपर शाइनिंग बरकरार रहे। मैं एक बार साइड से एक बार डोर पैनल वगैरह कम्प्लीटली चेक करा देता हूँ। पहले गाड़ी की हालत काफ़ी रफ हो चुकी थी और अब आपको दिख रहा होगा, पीछे वाला पैनल तो इतना, और रूफ रूफ की बात करूँ तो रूफ तो ऐसी हो रही थी जैसे कभी वॉशिंग कराई है गाड़ी और कभी मतलब सर्फ ही नहीं लगाया, वो सर्फ का कपड़ा कभी नहीं लगा था शायद रूफ के ऊपर। तो उस टाइम तो इतनी डल हो रही थी गाड़ी, और अब गाड़ी बिल्कुल मतलब शोरूम कंडीशन तो नहीं कह सकते, बट मतलब लुक लाइक देखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी हो गई है। और बाकी एक बार रूफ से चेक करा दूँ तो, बाकी इसका इंटीरियर भी क्लीन कराया था डैक क्लीन क्लाक, बस थोड़ा सा ही है भाई ने थोड़ी रफ यूज़ की हुई है गाड़ी, तो जो पीछे वाले डोर के जो ट्रिम्स हैं उनके ऊपर काफ़ी निशान से हैं हल्के हल्के, तो शायद वीडियो के अंदर नहीं दिख रहे होंगे। बाकी अब गाड़ी पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो चुकी है लुक वाइज। सो फाइनली अगर आपको भी अपनी गाड़ी कुछ ऐसी लुक लानी हो गाड़ी की, या कोई भी रिलेटेड काम हो, तो एक बार ज़रूर विजिट करें हमारे वर्कशॉप पे ओम मोटर्स धारवेड़ा। जो भी हम चीप प्राइस होंगे मार्केट से अच्छी क्वालिटी के साथ, तो बहुत अच्छा काम करके देंगे हम आपको। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना।